साथियों, तकनीकी व्यवधान के नाते हम पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट टू में अब आगे का वर्णन करते हैं। हमें खेद है कि तकनीकी व्यवधान के चलते हमें यह पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट वन और पार्ट टू बनाना पड़ रहा है। तो मैं आपको भी बताया कि जो काम पहले समाप्त होता हो पास्ट परफेक्ट और जो बाद में समाप्त होता हो सिंपल पास्ट में प्रयोग होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? तो परफेक्ट टेंस की तो पहचान मैंने आपको बताया था, फिर सुन लीजिए कि चुका चुकी चुके परफेक्ट वहीं रुके, चुका चुकी चुके परफेक्ट वहीं रुके। जिस वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके आ जाता है वो परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है। क्या मॉडिफिकेशन है? याथा इथी एथे आते, याथा इथी एथे आते, चुका था चुकी थी चुके थे बताते, याथा इथी एथे आते, चुका था चुकी थी चुके हैं बताते। यहाँ पर या था ई थी ए थे या चुका था चुकी थी चुके थे जैसे शब्द भी वाक्य के अंत में आते हैं। फिलहाल साधारण पहचान है कि चुका चुकी चुके परफेक्ट वहीं रुके, अमूमन वाक्य के अंत में ऐसा आता है चुका चुकी। पास्ट की बात है तो चुका था चुकी थी चुके थे इत्यादि आएंगे। अब प्रश्न आता है कि इससे हम वाक्य कैसे बनाएंगे? तो मैंने नियम बताया आपको कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नियम बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। अब दो तीन चीज यहां ध्यान देने वाली बात है कि साधारण वाक्य के रूप में एज ए सिंपल सेंटेंस, एज अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य के रूप में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तब होता है जब इसमें बिफोर, बिफोर माने पहले, टिल टी आई डबल एल, टिल माने तक, या ऑलरेडी, ऑलरेडी माने पहले से ही, या आफ्टर का प्रयोग होता है। कहते हैं कि एज ए सिंपल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन देयर इज आफ्टर आर टिल आर बिफोर आर ऑलरेडी इज यूज्ड इन एनी सेंटेंस। यदि किसी वाक्य में पहले से, तक, पूर्व या पहले या पश्चात बाद में शब्द आता है तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप, पास्ट परफेक्ट के रूप टेंस के रूप में करना पड़ता है। जैसे मैं इस खेल को पहले ही खेल चुका था, जैसे मैं इस खेल को पहले ही खेल चुका था। आप कभी कभी ऐसा होता है कुछ खेल खेलने जाते हैं तो तमाम लोग कहते हैं भाई मैं तो पहले खेल चुका हूँ, मुझे नहीं खेलना, आप खेलो। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए कि मैं इस खेल को पहले ही खेल चुका था तो पहले के लिए क्या करेंगे, बिफोर लगाएंगे कि ऑलरेडी लगाएंगे? ऑलरेडी लगाएंगे, मैं तो इसको पहले से ही, इसके लिए प्रयोग होगा आई हैड ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड दिस गेम, आई हैड ऑलरेडी प्लेड दिस गेम। लेकिन यहां खेलने की बात है, अगर देखने की बात होती कि मैं इस खेल को पहले ही देख चुका हूं तो हो जाता आई हैड सीन दिस गेम बिफोर। तो जहां वाक्य में ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर और टिल का प्रयोग होगा वहां भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है।
अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़, जहाँ वाक्य में पूर्व आता है, पूर्व माने बिफोर, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, खाना खाने के या पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग चुके थे। अब आप ध्यान से देखिए, दो वाक्य तो इसमें हैं, लेकिन प्रयोग कैसे करना है। अभी तक जो मैं बताया था वह आफ्टर, बिफोर, ऑलरेडी इत्यादि का साधारण प्रयोग बताया था, लेकिन अब इसका असली प्रयोग चल रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसमें दो टेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट तो है ही, सिंपल पास्ट भी है, और दोनों का यूज होना है। कहते हैं कि जहां पर ऐसे वाक्य हों जिनमें कि एक काम पहले खत्म हो गया हो और दूसरा काम बाद में खत्म हुआ, तो पहले खत्म हुआ काम पास्ट परफेक्ट में, बाद में खत्म हुआ काम पास्ट इंडिफिनिट में होता। अब वही बात आ गई कि लेकिन पूर्व लगा हुआ है, दोनों काम एक ही में लिख दिए गए कि पुलिस के आने के पूर्व या पहले चोर भाग चुके थे, तो पूर्व पहले पूर्व आने पर पहले पूर्व आने पर समाप्त होने वाला कार्य जो पहले होगा, यानी पहले पूर्व आने पर, पहले बिफोर आने पर जो काम पहले समाप्त होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। यानी बिफोर आने पर, अगर कहीं बिफोर आया है तो जो काम पहले समाप्त होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, उसको हम पहले लिखते हैं और शेष भाग को हम बाद में लिखते हैं। आप ध्यान दीजिए कि पूर्व आने पर जो काम पहले खत्म हुआ होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, मुख्य उपवाक्य होगा, मुख्य वाक्य होगा या मुख्य उपवाक्य होगा या प्रधान उपवाक्य होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा पार्ट हो जाए, भाग हो जाएगा, वो सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, उपवाक्य। इस प्रकार अगर कहीं वाक्य में पूर्व आया है तो जो काम पहले खत्म हुआ है उसको आप मानिए प्रिंसिपल क्लॉज, उसको पहले लिखिए। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था या भाग चुके थे, तो कौन काम पहले हुआ? पुलिस के आने के पहले, पहले आया है, पूर्व या पहले शब्द आया है, चोर भाग चुके थे, चोर भाग चुके थे, चोर पहले भागे थे, तो पूर्व आने पर जो काम पहले होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज है, पहले लिखा जाएगा ट्रांसलेशन करते समय। तो हो गया द थीव्स हैड रन अवे, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस, क्योंकि प्रयोग कैसे करना है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बिफोर द पुलिस केम। तो अगर बिफोर आया है तो जो काम पहले समाप्त होता है वह प्रिंसिपल क्लॉज है, उसका प्रयोग हम पहले करते हैं। लेकिन अगर बाद आया है, आफ्टर आ गया, तब क्या करेंगे? अगर आफ्टर आ गया तब क्या करेंगे? अगर आफ्टर आ गया है तो क्या करेंगे? तो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में आएगा, यानी बिफोर लिख अगर वाक्य में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले आएगा, और अगर आफ्टर लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में आएगा। यही अंतर है बिफोर और आफ्टर में। बिफोर में पास्ट परफेक्ट बिफोर यानी पहले आएगा, आफ्टर में पास्ट परफेक्ट टेंस आफ्टर आएगा, बाद में आएगा। जैसे ख
खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था। खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था। अब बाद आ गया, यहाँ पूर्व नहीं आया, तो बाद के लिए क्या अंग्रेजी है? आफ्टर। खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था। खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था। तो बाद आने के बाद जब आफ्टर आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में ही प्रयोग किया जाएगा, आफ्टर के बाद ही आएगा। तो खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था, स्कूल चला गया था, इसका क्या अनुवाद होगा पास्ट इंडेफिनिट में? रमेश वेंट टू स्कूल, रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड। समझ में आया कि जहां आफ्टर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट का प्रयोग उसके बाद किया जाएगा, और जहां बिफोर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट का प्रयोग शुरू शुरू में किया जाएगा, उसके पहले किया जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें बहुत सावधानी करने की ज़रूरत है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, बाद आया डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, रोगी मर गया था, ये पास्ट परफेक्ट है। कि सिंपल पास्ट है क्या? रोगी मर गया था, द पेशेंट डाइड, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर आया है तो पास्ट परफेक्ट बाद में जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगना है। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम केम कम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। तो यह आफ्टर और पूर्व में अंतर है, दोनों में समझने का अंतर है। अब प्रश्न उठता है कहीं कहीं कि यदि प्रिंसिपल क्लाज, वाक्य में दो भाग होते, एक मुख्य भाग होता है, एक सबॉर्डिनेट, प्रिंसिपल क्लाज एंड सबॉर्डिनेट क्लाज। यदि प्रिंसिपल क्लाज की जो वर्ब है क्रिया है पास्ट टेंस में हो, भूतकाल में हो, और सबॉर्डिनेट की क्रिया जो है वो भूतकाल में ना हो, प्रेजेंट परफेक्ट की हो, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका चुकी चुकी है, लिया है दिया है, इस तरह से होता है। तो यदि प्रिंसिपल क्लाज की क्रिया पास्ट टेंस में हो और सबॉर्डिनेट क्लाज की क्रिया उपवाक्य की क्रिया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की हो, तो अनुवाद करते समय दोनों को पास्ट टेंस कर देते हैं। जैसे सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया। सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया। उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, यहाँ लिया है, लिया था नहीं है, लिया है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ इसका वर्ब जो है लगाकर बनाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन इसके पहले प्रिंसिपल क्लाज क्या है? किसने टोल्ड कहने सीता, प्रधान वही है कहने वाली, प्रधान प्रिंसिपल क्लाज है, तो टोल्ड बताया, तो चूंकि ये पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, इसलिए जो वहां पर कर लिया था है उसको बनाना पड़ेगा कर लिया है दिया हुआ है, कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो उसको अब कर लिया था करना पड़ेगा, लिया है को लिया था करना पड़ेगा। सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। अनुवाद करते समय हमें करना पड़ेगा सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया था, यानी जो लिया है
उसको हमें लिया था करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब को पास्ट परफेक्ट की वर्ब में अर्थात हैड के प्रयोग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना पड़ेगा। सीता टोल्ड मी दैट सी हैड फिनिश्ड हिज वर्क। सीता टोल्ड मी दैट सी हैज फिनिश्ड हिज वर्क। हर वर्क सारी कभी कभी निकल जाता है, माइंड इट। अब एक चीज और सुन लीजिए कि कभी कभी तो तब का भी प्रयोग फंसता है। जब मैं घर आया तो सब मेहमान जा चुके थे। यहां तो आया तो के लिए अंग्रेजी में तो देन का प्रयोग होता है। हाथ जोड़ता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी देन का प्रयोग मत कीजिएगा। यहां कामा लगाकर अलग अलग कर दीजिएगा। कामा लगा दिए तो का अनुवाद हो गया, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। जब मैं घर पहुंचा तो सारे मेहमान जा चुके थे। When I reached home, कामा। When I reached home, कामा लगा दीजिए आपने। All the guests had gone, जा चुके थे, काम चल गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। जब 10 बजे तो मैं चारपाई पर, जब 10 बजे तो मैं चारपाई पर सो चुका था। जब 10 बजे तो मैं चारपाई पर सो चुका था। अब तो आ गया, यहां जन ना लगाइएगा। When it struck 10, comma, I had slept on bed, मैं बिस्तर पर जा चुका था। अब इसके बाद नेगेटिव आता है, इसका नेगेटिव फॉर्म। कि इसको नेगेटिव फॉर्म कैसे करते हैं, तो नेगेटिव में ना नॉट लगता है। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो आप जान लीजिए हैड नॉट का कर प्रयोग तो वाक्य बनाए जाते हैं, बनने वाले वाक्य सभी पास्ट परफेक्ट कहते हैं। हैड नॉट का कर प्रयोग वाक्य बनाए जाते हैं, बनने वाले वाक्य सभी नेगेटिव कहलाते हैं या पास्ट परफेक्ट कहते हैं, दोनों इसी के हैं। पास्ट परफेक्ट में तो हम पढ़ ही रहे हैं। जैसे अब है, मुझे आपका पत्र कल तक नहीं मिला था, मुझे आपका पत्र कल तक नहीं मिला था। आई हैड ऑन हैडंट या हैड नॉट, हैड के साथ नॉट लगाते हैं। हैड नॉट का कर प्रयोग वाक्य बनाए जाते हैं, बनने वाले वाक्य सभी नेगेटिव हो जाते हैं। तो आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल यस्टरडे, मुझे आपका पत्र कल तक नहीं मिला था। टिल यस्टरडे, तक के लिए यहाँ पर मैंने बताया था कि आफ्टर, बिफोर, टिल, ऑलरेडी इत्यादि का प्रयोग यहाँ पर होता है। अब कभी कभी यह ऐसा भी संयोग आता है जब कोई शब्द आता है कभी नहीं, तो हैड के साथ नेवर का प्रयोग करते हैं। हैड के साथ नेवर का नेगेटिव बनाने के लिए ही, ये जरूरी नहीं है कि हर जगह हैड के साथ नॉट लगाना। कभी नहीं अगर शब्द आ गया है तो उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था, उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था, तो ही हैड नॉट नहीं लगाएंगे। उसने ताजमहल नहीं देखा था तब तो हैड नॉट लगा देंगे, लेकिन उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था, नहीं और कभी नहीं में अंतर समझिएगा। नहीं के लिए नॉट है, कभी नहीं के लिए नेवर है। उसने ताजमहल कभी नहीं देखा था तो ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, इससे पहले यहाँ बिफोर लगेगा। ही हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, उसने इससे पहले कभी ताजमहल नहीं देखा था। इस प्रकार से आपका यहाँ नेगेटिव सेंटेंस जो है वो पूरा हो जाता है। अब प्रश्न उठता है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनता है।
तो इंट्रोगेटिव में है, हैड वाक्य में पहले आता, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाता, हैड वाक्य में पहले आता, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाता। यहां हेल्पिंग वर्ब हैड को हम पहले लाते हैं, किससे? सब्जेक्ट के पहले, तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैज हैव जब पहले आते, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते। पास्ट परफेक्ट में क्या है? हैड जहां पर पहले आता, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाता, यहां पहले आ गया। जैसे क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था? क्वेश्चन है, क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था? तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड का प्रयोग है, हैड कहां जाएगा? सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? द पेशेंट, मरीज। कौन मर चुका था? हु, कहते हैं द पेशेंट, मरीज। तो हैड को पहले लाइए, किससे? सब्जेक्ट से। तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस प्रकार हैड जहां पर पहले आता, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाता। जितने वाक्य मिले आप बनाते रहिए इस पर। अब इसमें एक चीज और है कि कभी कभी हु का प्रयोग होता है, हु का प्रयोग होता है, तो हु को भी हम हैड के पहले लगा देते हैं। जहां हु आ जाए कि, तो उसको उस तरह लगा दीजिएगा। जैसे मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, घुस चुका था, आया था, चूंकि इसमें या था, ये थी, ये थे हैं, या चुका था, चुकी थी, चुके थे। मेरे आने से पहले तुम्हारे घर में कौन घुस आया था, कौन घुस चुका था, यहाँ कौन शब्द आ गया। तो कौन के लिए हमको हु लगाना पड़ेगा। हु हैड इंटर्ड योर हाउस बिफोर आई रीच्ड हियर, हु हैड इंटर्ड योर हाउस बिफोर आई रीच्ड हियर। ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में भी ये आता है, ये क्वेश्चन में है। और बाकी जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव का वाक्य है, तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाएं हैड, दाएं नॉट, इसकी अच्छी बात हो गांठ। जब कभी सब्जेक्ट के पहले हैड लग जाएगा और बाद में नॉट लग जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेशन विद निगेशन बन जाएगा। मुझे विश्वास है इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ होगा। यह टेंस थोड़ा टेक्निकल टेंस है, अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो अवश्य बताएं, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। लव योर नेशन, बी इंडियन, बाय इंडियन। हम भारतीय हैं, भारतीय सामानों को खरीदें, अच्छे नागरिक बनें, देश के लिए जीना और मरना भी सीखें। अपिस्वर्ण महिलंका ना मे लक्ष्मण रोचते, जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीशी। अन्न जहाँ का हमने खाया, पिया जहाँ का पानी, वही हमारा वतन है प्यारा, हम हैं हिंदुस्तानी। जय मातृभूमि, जय हिंदू।